पूरे शहर में जोश के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जहां शहर की संस्थाओं ने इस पर्व को पूरे विधि विधान के साथ मनाया, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी पर्व का मजा दोगुना हो गया। पारंपरिक अंदाज में मनाए गए पर्व को लेकर लोगों में खासा उल्लास रहा। पूजन विधान के साथ ही अनुष्ठान का विधिवत करने के बाद अग्नि प्रज्वलित करके देर तक कार्यक्रम जारी रहे। नव दंपति और युवाओं में खासकर उत्साह नजर आया। शहर के मंदिरों में लोहड़ी के पर्व को पूरे विधान के साथ मनाया गया। पुरोहितों ने धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कराने के साथ ही लोहड़ी का सभी को महत्व बताया। इसी कड़ी में कोठीवाल नगर नालापार पुलिस चौकी के पास कॉलोनी में लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधि विधान के साथ पूजन हुआ और लोहड़ी का पर्व मनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर कार्यक्रम को मनाते हैं। इस अवसर पर हरीश ढल्ला, जतिन ढल्ला, गौरव, कोमल ढल्ला, गीता, दीवान चंद, अशोक कुमार, नितिन सभी ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। और आज आपके द्वारा लोहड़ी का जो त्यौहार है वो किस तरह से मनाया गया है? बड़ी धूमधाम से मनाया हमने लोहड़ी का त्यौहार, और इसके पीछे एक स्पेशल स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक दो बहनें होती है सुंदरी और मुंदरी नाम की, उनके माँ बाप का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था, तो उनका लालन पोषण उनके चाचा जी ने करा था। लेकिन जब वो थोड़ी कुछ बड़ी हुई तो उनके चाचा जी ने उन्हें बेचने की कोशिश करी। इस ये खबर डाकू सिंह नाम के बंदे को पता चल गई थी, इसलिए वो उसने उन्हें ले लिया उनसे। उन्होंने जंगल में ही रहते थे डाकू सिंह, तो उन्होंने उनका लालन पोषण जंगल में करा। तो जब वो ब्याहने लायक हो गई थी तो उनके उनसे वो ले गए, मतलब ब्याहने लायक हो गई, उन्होंने अच्छा सा वर ढूंढा उनके लिए, तो उनकी शादी करी उसके लिए। तो उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए, उन्होंने एक आग लगाई और गुड़ दे दिया था उनकी झोली में, गुड़ भर दिया था, कुछ था नहीं। इसलिए ये रीत चली आ रही है, इसलिए धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाती है। कहूँगी सब राजी खुशी और खुशियों से बनाए लोहड़ी, सबको लोहड़ी की लाख लाख बधाइयाँ हो और सब अच्छे तरीके से मनाए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ये मेरा संदेश है। हैप्पी लोहड़ी की लाख लाख बधाइयाँ।